मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मुंब्रा शहर में चोरी की वारदात बढ़ते ही जा रही है। एक ही वक्त में तीन तीन चोरी के मामले सामने आए हैं। कहीं दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया तो कहीं ऑटो रिक्शा की बैटरी चोरों ने चोरी कर लिया है। जिस तरह से लगातार मुंब्रा शहर में चोरी की वारदात बढ़ते ही जा रही है, ऐसे में दुकानदारों में अब खौफ भी बढ़ता जा रहा है। दुकानदार ये सोच रहे हैं कि न जाने कब उनका दुकान चोरों का शिकार हो जाए। मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा के मेन रोड पर ही देव इंटरप्राइजेस है और इसका शटर तोड़कर दुकान में चोर दाखिल हुए। दुकान के मालिक देवेंद्र तिड़कैया ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे के आसपास सीसीटीवी में 2 चोर दिखाई दे रहे हैं। एक चोर बाहर खड़ा रहता है और दूसरा चोर शटर टेढ़ा करने के बाद लेटकर दुकान में घुस जाता है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि अंदर जो चोर घुसा है वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दरवाजे को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से इस चोर ने धक्का दिया, मगर इस दरवाजे को चोर तोड़ने में नाकाम रहा। मगर जब ये चोर दरवाज़ा नहीं तोड़ पाया तो पास के ही ड्रॉ में रखे करीब 5,000 रुपये कैश लेकर फरार हो गया। चोरी ऐसा है, रात को 4 बजे के आसपास चोरी हुआ है और शटर को बाकायदा रॉड से बीच में से उठाया गया है। उसके बाद अंदर घुसने के बाद उसने मेरे कैबिन का दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें जो गल्ला था, जो गल्ला बाहर, वो गल्ले में से पैसे गए। एक पर्स है ब्लू कलर का, उसमें भी पैसे थे, ऐसा लगभग 5,000 के करीब कैश गया। कितने लोग थे ये जो चोरी कर रहे हैं? 2 जन हैं, सीसीटीवी है मेरे इधर। मैं अभी पुलिस चौकी से वीडियोस निकाल के सब पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ FIR करने के लिए। ऐसी चोरी की घटना यहाँ पर पहले भी हो चुकी है, ये बाजू के ऐसे आसपास दुकानों में कुछ दिन पहले भी चोरी हुई थी। अब भी ऐसे जानकारी आ रही है कि यहाँ पर रात के समय में बाइकों जो खड़ी रहती है, बाइक रहती है, यहाँ पर बैठे रहते हैं लोग। बैठे रहते हैं यहाँ, जैसे ही दुकान बंद होता है हमारा, यहाँ कुछ एक गैंग आके खड़ी रहती है। उसके अलावा जो रिक्शा सब लगी रहती है, जो साइड में पार्किंग होती है, उसके अंदर कई रिक्शा में कई चोर टाइप के लोग, टपोरी टाइप के लोग बैठे ही रहते हैं उसमें। और वो लोग, उनका एक ही काम है, नज़र रखते कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। बैठ के अंदर चरस पीना, गांजा पीना चालू ही रहता है। ऑटो जितनी भी खड़ी रहती है, ये ऑटो के बारे में पुलिस में आपने कभी कंप्लेंट नहीं किया? हाँ, मैंने कई बार RTO डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट किया है, लेकिन उसके ऊपर आज 14 महीने हो गए, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से मुंब्रा मार्केट में जय गुरुदेव चना मार्ट में भी चोरी की घटना सामने आई है। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास शटर तोड़कर चोर दुकान में दाखिल हुआ और करीब 4,000 से 5,000 रुपये कैश चोरी कर लिया। ये CCTV फुटेज जय गुरुदेव चना मार्ट का है, जिसमें साफ चोरी करते हुए चोर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है और दुकान का जय गुरुदेव फरसान चने फरसान की दुकान है। क्या हुआ है आपके साथ? यहाँ पे कल रात 3:30 बजे के आसपास चोरी हुई 3:36 को। मुझे फ़ोन आया सुबह 6-7 बजे के टाइम कि आपका शटर खुला हुआ है, चाय वाले ने मुझे बताया। हम लोग आके देखे तो फिर ये शटर टूटा हुआ था और गल्ले में जो पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये वो चोरी हुई है। 4-5 हज़ार के आसपास था। शटर का ताला तोड़े? ताला नहीं तोड़े, शटर को रॉड डाल के ऐसा उठाया गया पूरा, मतलब बैंड कर दिया। तो कंप्लेंट वगैरह कुछ? कंप्लेंट अभी करने गए थे तो लाइट नहीं, तो बोले शाम को बुलाया, बोले शाम को, अब लाइट नहीं है अभी इसके लिए। इसी तरह से आनंद कोलीवाड़ा में ही रोड के किनारे अफरोज नाम का एक व्यक्ति जो ऑटो रिक्शा चलाता है और ये अपना ऑटो रिक्शा रोड के किनारे ही पार्क किया था, मगर सुबह के वक्त में ही ऑटो रिक्शा से बैटरी चोरी हो गई है। क्या नाम है आपका? अफरोज शेख। क्या चोरी हुआ आपको? मेरी रिक्शा खड़ी थी, मैं रात को एक्चुअली आया, काम करके आया कौसा से, और यहाँ पे अपने पहचान वाले उनको छोड़ा और थोड़ा आगे आके मैं ये एक्साइड बैटरी वाला है ना, यहाँ पे रिक्शा लगाया। तो क्योंकि पूरे लाइन में जगह नहीं थी तो इसे मेरे को यहाँ जगह मिली, तो मैंने यहाँ रिक्शा लगा दिया। बोला चलो कम्फर्टेबल, मैं सुबह जल्दी निकाल लूँगा। तो थोड़ा मैं लेट उठा, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से मैं लेट उठा। आके देखा 10-10 बजे के आसपास, तो देखा तो आके मैं आगे बाकायदा मेरे अगले जो जहाँ पे मैं बैठता हूँ ड्राइविंग सीट पे,
उसके नीचे बाकायदा कवर लगा हुआ है। कवर लगाने के बावजूद भी मेरी बैटरी जो है नई बैटरी थी, सोनी के एक्सीड बोल के बैटरी थी एक्सेट की, तो बैटरी मेरी चोरी हो गई। पता नहीं लास्ट टाइम भी ऐसा ही, मैं थोड़ा आगे बंगले के पास गाड़ी लगाया था एक बार, तो वहाँ पे भी ये हुआ था मेरे साथ। कंप्लेन वगैरह किया? हाँ मैंने कंप्लेन किया, और मैंने बाकायदा कंप्लेन के साथ साथ मैंने जो फ़ोटो निकाला था मेरे मोबाइल में वो मैंने पुलिस स्टेशन में दे दिया हूँ सर के पास। तीन तीन चोरी की वारदात सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है। वहीं अब ये तीनों लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।